हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मैं मंत्री पद का भूखा नहीं हूं, हेमाराम चौधरी। इस्तीफे के बाद हेमाराम का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। कांग्रेस के असंतुष्ट नेता हेमाराम चौधरी ने इस बात का खंडन किया है कि उनके मुख्यमंत्री या राजस्व मंत्री से कोई नाराजगी है। मुख्यमंत्री जी हमारे नेता हैं, इस लिहाजे से उनका सम्मान करना प्रत्येक कांग्रेसी विधायक का बुनियादी दायित्व है। जहां तक हरीश चौधरी से अदावत की बात है, मेरे किसी से भी खराब संबंध नहीं है, ये कहना है हेमाराम चौधरी का। उन्होंने कहा, हरीश जी मेरे छोटे भाई के समान है तथा वे मेरा पूरा सम्मान देते हैं। ऐसे में अदावत की बात करना बेमानी और कल्पित है। इस्तीफा देने के बाद खुद हरीश जी तथा पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का फोन आया था। दोनों यही जानना चाहते थे कि आखिर मैंने अचानक इस्तीफा क्यों दिया। मुझे ना तो मंत्री पद का लालच है और ना ही मैंने व्यक्तिगत कार्य को लेकर इस्तीफा दिया। मैं केवल इतना चाहता हूं कि मेरे विधानसभा क्षेत्र गुड़ा मलानी में समुचित विकास हो। इस क्षेत्र की जनता ने मुझे 6 बार चुनकर विधानसभा भेजा है। अगर मैं उनकी कसौटी पर खड़ा नहीं उतरता हूं, तो व्यर्थ विधायक बने रहना। इसी को दृष्टिगत रखते हुए मुझे इस्तीफा देने के लिए बाध्य होना पड़ा। इस्तीफा देने के बाद हेमाराम चौधरी ने विस्तार से हर मुद्दे पर खुलकर चर्चा की और अपना पक्ष रखा। उन्होंने इस बात को भी बेहुदा बताया कि इस्तीफा सचिन पायलट के इशारे पर दिया गया। हकीकत ये है कि उन्हें इस्तीफा भेजने के बाद इस बात का पता लगा। मेरे घर वालों तक को इस्तीफे की भनक नहीं थी। मैं भावुक और संवेदनशील व्यक्ति हूँ। जब मुझे लगा कि क्षेत्र में जनता के प्रति न्याय नहीं कर पा रहा हूँ मैंने बिना सोचे समझे विधानसभा अध्यक्ष को इस्तीफा भिजवा दिया। निर्णय अब अध्यक्ष को करना है। मैं पहले भी क्षेत्रीय जनता के प्रति समर्पित और आस्थावान था और विधायक नहीं रहते हुए भी वही समर्पण भाव रहेगा। इस्तीफे के बाद हेमाराम से डोटासरा, हरीश चौधरी तथा सचिन पायलट ने ही बात की है। अजय माकन या मुख्यमंत्री ने उनसे अभी तक कोई बात नहीं की है। पायलट ने हेमाराम से अचानक इस्तीफे का कारण पूछा। उन्होंने कहा कि इस्तीफा देने से पूर्व एक बार मुझसे बात तो कर लेते। हेमाराम का यही जवाब था कि वे जो ठान लेते हैं उसे पूरा करके ही मानते हैं। हरीश चौधरी और पीसीसी चीफ को स्पष्ट तौर बता दिया कि क्षेत्रीय जनता विकास कार्य से महरूम है। जनता के बुनियादी कार्य मसलन बिजली, पानी, चिकित्सा, नरेगा आदि के कार्य उचित मात्रा में नहीं हो रहे हैं, लिहाजा मैंने इस्तीफा देना मुनासिब समझा। यदि मुख्यमंत्री फोन कर आपके कार्य करने का भरोसा दे तब? ये पूछने पर हेमाराम ने कहा कि काल्पनिक सवाल है, जब फोन आएगा तब विचार किया जाएगा। अगर मुख्यमंत्री आपको मंत्री बनाने का भरोसा दे तो क्या इस्तीफा वापस ले लेंगे? जवाब देते उन्होंने कहा कि मैं मंत्री पद का लालची नहीं हूँ और ना ही मैंने ब्लैकमेल करने की गरज से इस्तीफा दिया है। मैं भावुक अवश्य हूँ। तत्कालीन ऊर्जा मंत्री चंद्रभान ने मेरे क्षेत्र में ट्रांसफार्मर लगाने से इनकार कर दिया तो मैं विधानसभा में रोने लग गया। भूखा अवश्य हूँ लेकिन काम करने का, मरते दम तक यही लालसा रहेगी कि क्षेत्र का ज्यादा से ज्यादा विकास हो। इस्तीफा पर पेंच। विधानसभा नियमों के अनुसार ईमेल या व्हाट्सएप से भेजे इस्तीफे के संबंध में एक्सपर्ट की अलग अलग राय है। कुछ लोगों का मानना है कि ईमेल से भेजे इस्तीफे पर अध्यक्ष निर्णय लेने के लिए बाध्य है, जबकि पूर्व मंत्री घनश्याम तिवाड़ी का कथन है कि जब तक संबंधित विधायक खुद अध्यक्ष के समक्ष उपस्थित होकर स्वलिखित इस्तीफा प्रस्तुत नहीं करता, तब तक अध्यक्ष को निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं है। पश्चिम बंगाल में अध्यक्ष ने सुधेंदु को व्यक्तिगत बुलाया, इसके बाद ही इस्तीफा स्वीकार किया गया। जब इस बारे में हेमाराम का ध्यान आकर्षित किया तो उन्होंने कहा कि अध्यक्ष उन्हें तलब करेंगे तो वे उपस्थित होने के लिए तैयार है। जागरूक टीवी की बाड़मेर से ठाकुर राम मेघवाल की।